insignificant improvements every single day. It looks huge if you compare my first video to what I'm doing right now. You have your entire life in front of you to do whatever you want to do. अब उसको compare करते रहोगे पूरे time कि भाई ये क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ और मैं इतना ख़राब क्यों कर रहा हूँ, वो इतना अच्छा क्यों कर रहा है, वो तो भी 22 की एज है. Why are you comparing? That I think is something that you need to stop doing. कभी भी आप कुछ शुरू करना चाहो ना, you learn through the process. Process is very important. हर दिन उसके बाद में सोचते रहो, वो चीज़ करते रहो, धीरे धीरे improvement process के साथ ही होगा. कोई भी चीज़ है, किसी के लिए वो अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी. मैं ये कोई specific point out नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है. But you have to realize कि भाई क्या मेरे लिए अच्छी है, क्या मेरे लिए बुरी चीज़ है. लोग पहले से ही डर जाते हैं कि मैनेज नहीं कर पाऊंगा, जो ये करूँगा तो वो नहीं कर पाऊंगा, ये करूँगा तो. पहले तो वही निकालना है, क्योंकि मैंने बिट्स में इतने लोग देखे हैं जो चार पांच चीज़ें करते हैं और उसमें सब में एक्सेल करते हैं. ये नहीं कि एक ये करा तो उसमें बुरा हो गए. तो इट्स मैनेजेबल, हो सकता है. सबसे पहले अपने दिमाग में तो ये चीज़ डालनी होती है कि ये चीज़ हो सकती है, एंड फिर अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और उसमें ट्राई करना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है. यार मुझे ऐसा लगता है ना यथार्थ, कि जो मन में आए एक बार करो जरूर. मतलब लाइफ में रिग्रेट्स नहीं रहने चाहिए. वही ना, वो ह्यूमन लाइफ एक ही बार मिली है. मतलब एक बार मिली है का मतलब ये नहीं तुम ऐसा कुछ करे जाओ कि इस लाइफ को तुमने बर्बाद ही कर दिया. पर हाँ, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम कोई ऐसा स्टेप लेने की सोच रहे हो जिससे तुम्हारा फायदा है, सोसाइटी के फायदे में तुम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है. हो सकता है आपको यंग एज में लगे यार मैं तो रोज बाहर का जंक खाता हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी नहीं करता, मैं तो 10-10 घंटे लैपटॉप पर बैठ के काम करता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा. बट वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब एक ही दिन में बहुत कुछ हो जाएगा, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा. इवन अगर आपको अपने गोल्स सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं तो भी आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हेल्थ नहीं है तो गोल कहाँ है. आप नेचुरली सोचिए और हर चीज को क्वेश्चन करिए. जो चीज आपको बोली जा रही है आप उस पर क्वेश्चन करिए. हैंग इन देयर, हो जाएगा, ठीक है, ये पास हो जाएगा टाइम. अभी जो है, जो चीज प्रायोरिटी है, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उस पर फोकस करो, बाकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. ये सब चीजें नेगेटिविटी वाला पोर्शन मतलब हमने खुद फेल किया. मैं अभी कॉलेज में आके थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, नहीं तो घर पे थी तो नहीं. उस पे आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, आप कितना भी आप बार बार वही फीलिंग्स गो थ्रू होते हो, कोई बात नहीं, बस हो जाएगा, ये टाइम निकल जाएगा जल्दी से. हाँ यार, अपना ध्यान रखो, ज्यादा टेंशन मत लो. टेंशन काफी खराब चीज है, मैंने लिया था कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा, तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी. एंड हाँ यार, लाइफ में अच्छा करते रहो, पुराना चीज़ें मत सोचो, जो आगे है उसके बारे में सोचो. हाँ, चिल करो. मतलब आई एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल द जेंडर, लाइक फ्रॉम बोथ द जेंडर्स, बी इट बॉयज और गर्ल्स, बोथ आर इक्वली फ्रेंडली. दे वुड बी इक्वली फ्रेंडली, लाइक यू जस्ट नीड टू बी, यू नो, ट्रीट देम एज वन मोर पर्सन इंस्टेड ऑफ, यू नो, सेपरेटिंग देम एंड लाइक लुकिंग लाइक ओके दिस पीपल आर गर्ल्स दिस ब्रो, लाइक देयर इज नथिंग लाइक दैट. लाइक In friendship, it's everything is same, right? You may have a boy best friend, you may have a girl best friend. Thank you so much for having me, yaar. Like, I literally did not expect to be invited on a podcast by someone like this early. I literally felt really good talking to you.